ये सूरज चव्हाण, जिन पर अखबारों में रिपोर्ट है कि ये आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी है, इनकी क्वेश्चनिंग हुई है ईडी की ये कोविड जंबो सेंटर स्कैम को लेकर, जी जहां पे उन पर आरोप है कि वो जो मिडिलमैन है, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे मिडिलमैन को लेकर, और उसमें 20, 30, 40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। क्या आपको लगता है इस केस में भ्रष्टाचार हुई है? देखिए, भ्रष्टाचार प्राइमा तो फेसी क्या, आप लॉयर भी हैं, प्राइमा नहीं फेसी क्या लग रहा है नहीं आपको? आप मेरी बात सुनिए, 100% भ्रष्टाचार तो हुआ है, हुआ है। लेकिन मैं तो उसके आगे जाकर कहता हूं कि ये केवल भ्रष्टाचार नहीं है। कोविड सेंटर में आप जब भ्रष्टाचार करते हो, कितने लोगों की जान से आप खेल रहे हो, आप लोगों को मार रहे हो लोगों को। देखिए, जो मेरी जानकारी है, 35 डॉक्टर्स को मेल भेजा गया कि भाई आप लोग यहाँ नौकरी करते थे क्या, आपके नाम से पेमेंट निकली है, आपके नाम से पेमेंट निकली है, पगार निकली है। उन्होंने रिप्लाई किया है कि हमने अप्लाई किया था, वी नेवर ज्वाइन, वी नेवर ज्वाइन। तो ये तो साहब ऐसा स्कैम है, चाहे ये स्कैम हो या बॉडी बैग का स्कैम हो, 600 रुपए की बॉडी बैग 6,000 रुपए में, मतलब आप किस प्रकार की नियत लेकर वहां पर बैठे हो। लोग मर रहे हैं उस कोविड सेंटर में, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था हमने, केवल पैसा बनाया जा रहा था। और कोविड की इतनी केसेस निकलेगी, ये तो अभी कोर्ट जाकर कहते हैं कि जी वो एपिडेमिक एक्ट का हमको संरक्षण दीजिए, जरूर देंगे एपिडेमिक, आपने जो भी गुड फेथ में किया है वो एपिडेमिक एक्ट में उसका संरक्षण मिलेगा, लेकिन जहां मैलाफाइड दिख रहा है वहां कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। देखिए ये मतलब मैं तो हैरान हूं, मैं जब इन चीजों को देखता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी ग्रिड कहाँ जा रही है, किस प्रकार की ग्रिड है। और कई चीजें इसमें जो बाहर आएगी वो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत शॉकिंग होगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भ्रष्टाचार जो होती है वो हो सकती है विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप। आपको क्या लगता है? देखिए ये युवा सेना के नेता है, कोई मिडिल लेवल नेता है युवा सेना के, क्या ये सब हो सकता है विदाउट द ठाकरे फैमिली नोइंग? देखिए मैं क्या हो सकता है कि नहीं मैं, उनके मैं बहुत स्पष्ट रूप से, देखो मैं जब आरोप लगाता हूं तो ताकत से लगाता हूं। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि ये जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसमें उन्होंने अपॉइंट किए हुए जो उनके लोग थे, जिसको हम अगर पुलिस की भाषा में कहें तो उनके हैंडलर्स, जो हैंडलर्स वहां पर थे, वो हैंडलर्स के बिना ये हो ही नहीं सकता। किन के हैंडलर्स? जो सर चला रहे थे शिवसेना के, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के जो हैंडलर्स वहां पर थे, जो कॉरपोरेशन को चला रहे थे, उनके सिवाय नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट फिर उंगली तो उद्धव ठाकरे पे जाती है, देखिए आप उठेगी तो जरूर, क्योंकि आपके हैंडलर्स हैं, और वो अगर कहे कि मुझे पता ही नहीं है। तो एविडेंस में ध्यान में आएगा पता है कि नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि नहीं? बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। वो अगर कहे मिडिल लेवल के करप्शन है, मुझे नहीं पता। वो तो कुछ भी कहे, लेकिन देखिए एक होता है कानून, एक होता है परसेप्शन, और एक होती है रियलिटी। तीनों चीजें जब सामने आएगी तो ध्यान में आएगा, उन्होंने तो एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया वो तो देते ही नहीं है। इस कैंप पर, उन्हें देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, पर नहीं देंगे वो। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, 1 जुलाई को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में करप्शन के खिलाफ कॉरपोरेशन पर मोर्चा निकालने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि इस मिलेनियम का इससे बड़ा जोक मैंने नहीं सुना है। करप्शन के खिलाफ कॉरपोरेशन पर मोर्चा, ये उद्धव ठाकरे का गुट निकाले, इससे ज्यादा मैंने कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि नथिंग कैन बी मोर रिडिक्यूलस देन दिस। आपका मैसेज क्या है फॉर दिस ठाकरे फैमिली, जो इतने करप्शन केसेस के बारे में बात हुई है, एसआरए स्कैम हो गई,
ये अलीबाग प्रॉपर्टी स्कैम, रश्मि ठाकरे की ये जो कोविड सेंटर स्कैम, कैश फॉर ट्रांसफर स्कैम, उनको लग रहा है कि ये सब बोलने वाली चीज़ें हम पर कभी नहीं आएगी, हम पर डायरेक्टली नहीं आएगी, हमारे नीचे के लोग की आएगी, उनको इंटरोगेट किया जाएगा, बट इट विल नेवर क्रॉस अ सर्टन लेवल। मैं स्ट्रेट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ फडणवीस जी, स्ट्रेट जवाब देता हूँ, स्ट्रेट सवाल, आप स्ट्रेट जवाब देता हूँ, जहाँ इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वहाँ कार्रवाई होगी। हम उनके जैसे नहीं, हम विक्टिमाइज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल विक्टिमाइज नहीं करेंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। अगर ठाकरे परिवार की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आप नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खींच तान कर ठाकरे परिवार को फंसाना है, उनको विक्टिमाइज करना है, हम नहीं करेंगे। और आप चाहते हैं कि कोविड स्कैम पर वो स्टेटमेंट दे? बिल्कुल देने चाहिए।